तो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने मोबाइल के बैटरी को इंक्रीज करना चाहते हैं? तो फिर आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीका से दोस्तों आपके मोबाइल के बैटरी कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके मोबाइल का बैटरी 4000 mAh है, 3000 mAh है, 5000 mAh है और आपके मोबाइल का बैटरी नहीं चलता है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल में एक सेटिंग को ऑन करना होगा, जिस सेटिंग्स को ऑन करने से ही आपका मोबाइल का बैटरी पूरे लंबे समय तक चलेगा और आपके मोबाइल का बैटरी बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल का बैटरी 5 घंटा चलता है या पूरे 1 दिन चलता है और उस सेटिंग को आप अगर आप अपने फ़ोन में ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल का बैटरी पूरे यहाँ पर 5 दिन तक चलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरह से कैसे हम किसी भी मोबाइल के बैटरी को 5 दिन तक चलाएं। तो आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा इस ट्रिक को सीखने के लिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए नए आए तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे कमेंट भी करना है, कमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको बैटरी लिखकर हमें सेंड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ऑन करना है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग पूछेगा कि हमारे पास किसी और कंपनी का सेट है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग को ऑन कर लेना है। जैसे कि मेरे मोबाइल का सेटिंग ये रहा, सेटिंग ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बैटरी वाला ऑप्शन में जाना है। तो बहुत सारे मोबाइल में बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे रहता दिया रहता है एसेबिलिटी में, ठीक है, लेकिन मेरे में यहाँ पे डिवाइस केयर में दिया हुआ है। तो डिवाइस केयर में जाएंगे और डिवाइस केयर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिक्स ना हो जिस पे टच करेंगे, और सबसे पहले वो ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा कि जो भी कचरा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलता रहेगा वो हट जाएगा और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन पे टच करेंगे, और बैटरी वाले ऑप्शन पे टच करते ही दोस्तों यहाँ पे पावर मोड है जिस पर ऑप्शन पे टच करेंगे, और पावर मोड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं मीडियम पावर सेविंग और मैक्सिमम पावर सेविंग। तो अगर आप मीडियम पावर सेविंग पे जाते हैं तो अगर आपका मोबाइल का बैटरी अगर 5 दिन तक चलता है तो यहाँ पर 13 हॉर्स चलेगा, अगर आपका मोबाइल का बैटरी 1 दिन या 13 हॉर्स चलता है तो यहाँ पे पूरे 2 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर पे जाना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का दोस्तों अब आपको करना क्या है, बैक आ जाना है। देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे टर्निंग ऑन हो गया। जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलेगा वो उसका बैटरी नहीं यूज होगा और यहाँ पर आपके मोबाइल का बैटरी पूरे, ठीक है, 5 दिन 4 दिन जो भी हो वो चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 दिन और 7 हॉर्स चलेगा, ये आ गया। अब दोस्तों जो भी एप्लीकेशन आपको यूज करना है वो एप्लीकेशन को आपको यहाँ यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ पे ले आना है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमें मैप का यूज करना है तो मैप वाले ऑप्शन पे टच करेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे हमें फेसबुक यूज करना है तो फेसबुक। इस तरह से यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन हमें यूज करना है वही एप्लीकेशन यहाँ पे रखेंगे और मेरा बैटरी पूरे 5 दिन तक चलेगा। तो यही एक तरीका है जिस तरीका से आप मोबाइल का बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई सवाल